हैप्पी बर्थडे मिश्रा जी, हैप्पी बर्थडे। नमस्कार दोस्तों, सिटी 71 में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं सढौरा विधानसभा के चहड़वड़ा गांव में एक निजी पैलेस में, और आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं इस समय आज यहां पर माननीय डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है और यहां पे भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद। और आइए हम बात कराते हैं मैडम कुसुम शेरवाल जी से कि आज यहाँ पर कैसे उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है दुष्यंत चौटाला जी का। पूर्व में हल्का सढौरा से इलेक्शन लड़ चुकी हैं मैडम कुसुम शेरवाल जी, आइए हम उनसे बातचीत कराते हैं। मैडम नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया जी। मैडम आज सबसे पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं, हमारे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी का जन्मदिन है। बिल्कुल जी, हम तो आज दुष्यंत चौटाला जी के लिए यहाँ सभी हमारा हल्का सढौरा इकट्ठा हुआ है दुष्यंत चौटाला जी के जन्मदिन को मनाने के लिए। जी, जी, जी। तो हम लोग तो यही शुभकामनाएं देते हैं कि आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी की लंबी उम्र हो, यशस्वी हो और आगे आने वाले समय में वो डिप्टी सीएम की जगह वो मुख्यमंत्री हो, हमारी यही दुआ है उनके लिए। तो मैडम आज सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ इकट्ठा बुलाया गया सढौरे की बात करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, आज हमारा हल्का सढौरा पूरा का पूरा हल्का सढौरा यहाँ इकट्ठा हुआ है आज उनको आशीर्वाद देने के लिए। और मासिक हमारी मीटिंग होती है वो हमेशा हमारी ब्लॉक वाइज होती हैं, तो ब्लॉक की बजाय आज हमने दुष्यंत चौटाला जी का जन्मदिन मनाना था, इसलिए आज हम सभी लोग एक जगह इकट्ठा हुए हैं। ये थे हमारे डॉक्टर कुसुम शेरवाल जी, साथ जननायक जनता पार्टी के एससी समाज के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक शेरवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार। धन्यवाद जी। सर आज यहाँ पे एक निजी पैलेस में मीटिंग की गई है, तो बताएंगे कुछ? देखिए 3 अप्रैल को हमारे आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी जो हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश हैं जी, उनका जन्मदिन हर साल बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और हम भी हर वर्ष यानी कि हर मंथ वाइज हमारी एक मीटिंग होती है हल्के की, तो हमने मंथली मीटिंग भी करी है और मंथली की मीटिंग के साथ साथ में अपने आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी यशस्वी उप मुख्यमंत्री का जन्मदिन भी हमने साथ साथ यहाँ पर केक काट करके उनको जन्मदिन मनाया है। भारी तादाद में, हजारों की तादाद में हमारे यहाँ वर्कर इकट्ठा हुए हैं, पूरा हलका यहाँ पर इकट्ठा था और बड़े हर्षोल्लास के साथ अपने आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी का यशस्वी उप मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन यहाँ पर मनाया है और सभी समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे, सरपंच साहब इकट्ठे हुए हैं, कार्यकर्ता स्वयं सब इकट्ठे हुए हैं, सभी ने एक ही आवाज़ में अपने आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी की लंबी उम्र की कामना करी है, यशस्वी वान होने की, प्रगतिवान होने की, ऊर्जावान होने की, दीर्घायु होने की कामना पूरे समाज ने, पूरे जनता ने मिल करके यहाँ पर अपने नेता को लंबी उम्र की कामना यहाँ पर करी है और परमपिता परमात्मा से अरदास करी है कि परमपिता परमात्मा अपने ऊर्जामान उप मुख्यमंत्री को देश और प्रदेश की सेवा करने के लिए ताकत बख्शे और उनको मनोबल इतना बढ़ाएं कि देश और प्रदेश की सेवा इसी तरह निरंतर करते रहें। तो शेरवाल जी बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं दुष्यंत चौटाला जी के जन्मदिन की। तो सर अभी 2 दिन पहले कांग्रेस की एक रैली हुई है, आपके संज्ञान में होगा, यमुनानगर में हमारे दीपेंद्र हुड्डा की, तो उसके बारे में क्या राय है आपकी? देखिए निश्चित तौर पर हर पार्टियां, हर जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए रैलियां करती हैं, गैदरिंग करती हैं, लेकिन जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी का आज फील्ड में कोई वजूद नहीं है। जी, जी, जी। आज यमुनानगर के अंदर एक, मैं कहता हूँ, मार्केटिंग बोर्ड का जो शेड होता है जी, 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 वो शेड के अंदर मात्र 2000 कुर्सी रखी जाती है, क्योंकि मैं भी बहुत रैलियां कराई हैं, बिल्कुल रहा हूँ, 2000 कुर्सी मात्र रखी जाती हैं उस शेड के अंदर और कुर्सियों के ऊपर वो लोग बैठे थे और 5 जिलों से पब्लिक आई हुई थी, बिल्कुल जी, और 5 जिलों से यदि 2000 आदमी इकट्ठा होता है तो एक सोचने का विषय है। फिर मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कहीं पर भी कांग्रेस धरातल पर कहीं पर भी नहीं है, केवल घूम रहे हैं, बड़े धड़ों में बटी हुई है, कांग्रेस का कोई हरियाणा प्रदेश में वजूद नहीं है। शेरवाल जी सढौरे हल्के से काफ़ी लोग आपके पास पंचकुला पहुंचते हैं अपनी हल्के की समस्याओं को लेकर, या आप जैसे फील्ड में काम करते हैं वहां भी मिलते रहते हैं, तो उसके बारे में क्या रिएक्शन है आपका? देखिए निरंतर तौर पर आदरणीय डॉक्टर कुसुम शेरवाल जी और मैं खुद जी पूरे हल्के के अंदर भी घूमते हैं,
गांव-गांव में जाते रहते हैं, हम निरंतर उनकी समस्या सुनते हैं, कोई उनके रेजोल्यूशन भी लेके देने का काम करते हैं। बिल्कुल जी। लेकिन हमारी जितनी भी समस्याओं का समाधान है वो आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी निदान करने का कार्य करते हैं जी। हमें अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर बड़ा फख्र है जी जी। बड़ा मान है हमें कि वो हमारा इतना मान सम्मान देते हैं जी जी। और बड़ा जनता से प्यार करते हैं जी जी। और इसी तरीके से मान सम्मान, इसी तरह से प्यार लुधार दुलार वो पब्लिक को देते रहें और प्रदेश की सेवा करते रहें और उनके सानिध्य में प्रदेश आगे बढ़ते रहे, ऐसी कामना हम आगे से परमात्मा से करते हैं। तो शेरवाल जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। दोस्तों, ऐसी खबरें देखने के लिए लगातार देखते रहें हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करें।